तिवारी जी मोर साहब आ जाइए आइए आइए बाकी थैंक यू सो मच आ जाइए ये कहानी जो है इसकी रचयिता रेखा जी है। मुझे तो इसका इतना अंदाज़ा था नहीं कि ये इवेंट इतना खूबसूरत बन पड़ेगा। मुझे तो ये था कि जाएंगे एक हल्की सी रैंप वॉक होगी, लेकिन ये इस तरह का सम्मान मिलेगा ये मैंने वाकई अंदाज़ा नहीं किया था। और ये क्योंकि ये कॉज को लेकर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक स्लोगन है वो बहुत खूबसूरत स्लोगन है, और जिसके तहत हमारी फैमिली तो लगातार काम कर ही रही है और भी बहुत जागरूक लोग कर रहे हैं। ये मुझे बहुत खूबसूरत रखा क्योंकि ये एक कॉज के लिए काम था, सिर्फ एक वॉक नहीं थी बल्कि एक कॉज के लिए, एक कारण के लिए वॉक थी। रेखा जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बस मैं खुश हूँ जब अखिल बंसल जी ने मुझे कहा कि भारत आइकॉन जो पेजेंट होता है और जो उसमें अवार्ड्स हैं, और तो उसमें एक वॉक के लिए वो चाहते कि हम वॉक करें, क्योंकि उनका इस बार का जो है कॉज जो वही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान। सो आपको तो पता ही है पवन जी, हम जब कॉज की बात आती है तो हम पीछे नहीं हटते। और ये मौका था जब हम चारों को साथ में चढ़ना था और साथ में हमारी बेटियां हैं, तो आई थिंक एक ह्यूमैनिटी के तौर पर, अच्छे नागरिक के तौर पर हमें तो यहाँ पर होना ही था। एंड हम बहुत खुश हैं कि हम चारों आज साथ में, हमारा फर्स्ट रैंप वॉक था ये, एंड वे हैप्पी अबाउट इट, बड़ा अच्छा लग रहा है। गीति आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका नाम तो हाँ, आपका पूरा परिचय क्या है? नमस्ते, मेरा नाम गीति गौर है और मैं तिवारी जी और मेरी मम्मा देखा आपकी बेटी रोहिता बड़ी बेटी तिवारी जी। आप सब तो तिवारी जी के नाम से जानते हैं, तो कितना मज़ा आ रहा है एक साथ पापा मम्मी के साथ सिस्टर के साथ रैंप वॉक किया? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पहले भी जब मैं रिहर्सल्स करती तो अकेले सब था, लेकिन इस बार चारों साथ में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आई एम श्योर आगे भी हम साथ में चलेंगे ऐसे रैंप वॉक्स मौत करके। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं संजीती गौर हूँ एंड मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा आज अपनी फैमिली के साथ वॉक करके, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और सबके साथ काफ़ी अच्छा लगा। Praised and humbled when I get an award. I am feeling very blessed, so excited. मैम के लिए अवार्ड कहने हजारों अवार्ड मिले, हर अवार्ड स्पेशल होता है, ऐसा लगता है कि काम जारी रखें, हर अवार्ड के बाद ऐसा लगता है कि वी नीड टू वर्क हार्डर फॉर अनदर वन। जी जी जी, तो आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं हम, और ज़रूरी है कि हमारा भारत पूरी तरह से स्वच्छ रहे, ताकि जहाँ स्वच्छता नहीं है वहाँ बीमारियाँ हैं। तो हम एक स्वस्थ भारत चाहते हैं, तो स्वस्थ भारत के लिए स्वच्छता चाहिए, और आप जैसे लोग जब ये बात बोलेंगे तो उसका असर भी सब जगह पड़ेगा। आपने स्टेज पे दो बातें बोली बेटी को लेकर, शायद किसी ने नहीं बोला आज तक ये बात जो आपने कहा कि बेटी भी और सेकंड भी बेटी भी, क्या कहना है रेखा जी आप इस बारे में? मैंने तो कह दिया अगर और बच्चे होते तो मैं प्रेरित की वो भी बेटियाँ ही हो, बिलीव मी। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ मेरे बड़े बेटे के तो एक बेटा एक बेटी थी, लेकिन उन्होंने थर्ड चांस दिया क्योंकि दे वांट द सेकंड बेटी, इसलिए उन्होंने लिया और उनकी सेकंड बेटी हुई। तो और हमने जब भी बेटियाँ हुई हमने पार्टीज की हैं, मिठाइयाँ बांटी हैं, क्योंकि बेटियाँ तो लक्ष्मी होती हैं। मैं तो ये कहती हूँ जब गीती हुई इसमें अपने डॉक्टर को आपने उठा लिया बच्चे की जगह? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं लड़का चाहता ही नहीं था, जैसे ही मुझे इनकी फ्रेंड हुआ था, मेरा सिजरिन हुआ था तो मैं तो अंदर थी, और ये जब बाहर मेरी फ्रेंड ने बता, नहीं डॉक्टर ने बता के पहले बताओ जैसे ही बताया तो इसकी एक शक्ल दिखाई ऐसे करके, तो मैंने डॉक्टर को ही उठा लिया, वो पूरा घुमा दिया उनको। अरे वाह वाह, आपका करियर शुरू हो रहा है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हमने शूट किए हैं, क्या करें, क्या चल रहा है आजकल? फिलहाल तो मैं सेकेंड ईयर इन एक्टिंग कर रही हूँ फ्रॉम हॉलीवुड, और क्योंकि पापा की तरह एक्टर बनना है, और वैसे तो साइड बाई साइड में मॉडलिंग के प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, और आज भी हमने साथ में रैंप वॉक किया है। श्योर फर्स्ट टाइम बहुत स्पेशल होता है और आगे भी हम करते रहेंगे। शेड्यूल इतना टाइट होता है भाभी जी का, थोड़ साहब घर पे भी कम ही आते हैं मुझे पता है, लेकिन आज एक साथ चारों देखकर विश्वास नहीं हो रहा है कि भाभी जी ने छोड़ दिया इन्हें आज। जी वाकई ये पहला मौका था जब हम चार एक ही मंच पर एक साथ थे। ये भाभियों के लिए है, अगर आपको इनसे मिलना है तो साल में जून में 6 से 10 से शिमला में होते ही हैं, आओ और पकड़ लो और देखे जाते हो।
बहुत सी भाभियाँ मिली हैं इस बार हिमाचल। नहीं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा फेस्टिवल है जिसके तहत हमारा जो मकसद है वो है कला के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू आर्ट, ये हमारा वो मकसद है। और सर अभी बात शोकी करते हैं, क्या ट्रैक चल रहा है अभी? शो जो है अभी चल रहा है, आठवें साल में चला गया है। क्या चल रहा है, क्या मस्ती चल रही है? अभी हम लोग हॉरर कॉमेडी कर रहे हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट किया रेखा जी से कि आप सीरियल में तो दिखते हैं, तो आप भारत आइकन में आके दिखे हैं उठा के, और उन्होंने स्वच्छ भारत और सेफ चाइल्ड के लिए हमारे लिए वॉक किया, तो मैं इनका धन्यवाद देता हूँ कि सब ने अपना टाइम निकाल के, अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के और ये किया। आज पहली बार था जब हम चारों ने एक साथ वॉक किया, एंड दैट टू फॉर अ कॉज, और कॉज के लिए वॉक करना मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज सेफ गर्ल चाइल्ड एंड स्वच्छ भारत दोनों ही जो हम एकदम अच्छे से मानते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैंने पैजेंट्स तो थोड़े बहुत किए हैं, आपने तो कवर भी किया है, मैं टाइम्स फ्रेश फेस की सेकेंड रनर अप थी, फिर मैं पीजीपी से भी कैटवॉक दीवा भी थी, तो मैंने ऐसे पैजेंट्स किए हैं। और आज जैसे मैंने बताया, जब मैं बैक स्टेज पर देख रही थी सबको नर्वस होते हुए, मुझे याद आ गया अरे यार ये तो एकदम मैं भी ऐसे ही होती हूँ, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं ही हुई है, मेरी ही झलक है इधर। और फिर रैंप वॉक करना था, एक सोलो वॉक भी किया मैंने, तो तब तो बहुत ही मज़ा आया क्योंकि इतने सारे लोग जब देख रहे होते हैं, इतनी सारी लाइट, इतनी सारी कैमरा, बहुत अच्छा लगता है। ये पहली बार हुआ है एंड आई एम श्योर आखिरी बार नहीं होगा, ये मैं मेक श्योर करूँगी कि हम चारों वॉक करें, क्योंकि हम चारों एकदम मस्त लगते हैं साथ में वॉक करने में। और ये सच बताऊँ तो हमारी रिहर्सल भी नहीं हुई थी इतनी, हमने बस वॉक कर लिया। और ये कॉस्ट्यूम फिटिंग हुई हमारी, और पिंक कलर जो है वो मुझे वैसे भी लहंगे बहुत पसंद है, मुझे इंडियन वेयर काफ़ी पसंद है, तो मुझे जब लहंगा दिया मैंने बोला अरे वाह लहंगा है, तो ये तो मेरी चीज़ है, तो मैं बहुत अच्छे से वॉक कर पाऊँगी।